जनता को मान सम्मान अधिकार को कभी किसी की कीमत पर कम नहीं। जिंदा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद अभी निकलिए और ये तमाम भीड़ आज देखने से लग रहा है कि संगीता देवी शिवान नगर परिषद के सभापति के चुनाव जीत रही है। आज सब अभी हम लोग कर रहे हैं और शिवान वासियों से अपील भी करता हूँ कि बोर्ड में शिवान नगर पालिका की एक अच्छे प्रत्याशी अपील बनाइए और मैं नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण को प्राप्ति किया जो मान सम्मान बढ़ाया है आज अति पिछड़ा नीतीश कुमार जी ने देने का अति पिछड़ा महिलाएं यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। नगर सभापति के लिए कोई साधारण बात नहीं। अभी तक ले तो पूर्व में जो होता था सब पर्दा के पीछे कार्य होता था। 2022 में डायरेक्ट जो है महिला जो है अति पिछड़ा महिला जो है जनता के बीच में जा रही है अपना अपना आशीर्वाद मांग रही है। आज नामांकन हो रहा है और बहुत सारे प्रत्याशी हैं। संगीता देवी देखिए लड़ने का नीतीश कुमार जी ने सबको आजादी दी है। सबको लड़ने का हक अधिकार है। जनता को निर्णय करना है कि कोई अच्छा प्रत्याशी को विजयी बनाए। जो सिवान जो नगर परिषद जो है देश के सबसे कचरा शहर में गिनती आता है उसको बढ़िया से सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति कृष्ण प्रसाद जी के है मौलाना मजहब साहब का ये धरती है। सिवान जो है अच्छा नगर पालिका जो है नगर परिषद विकास करें तरक्की करें। बिहार सरकार की जो राशि आ रही है केंद्र सरकार की जो राशि आ रही है उसको जमीन पर तलाटों को उतारा जाए। आप अपना परिचय दे दीजिए। लाल बाबू प्रसाद जिला पार्षद सिवान। ये सिवान की जनता का प्यार है जो 38 वार्ड की और जो 18 गांव है सारे गांव सारे वार्ड से आए हैं लोग। लोग जानते हैं कि बहुत सा हमेशा उठा रहता है। संगीता देवी का कॉम्बिनेशन है यहाँ से ये नामांकन हम लोग साथ ही कंट्री और थाना में चेकिंग कर जाएंगे लोग और अपार जन समर्थन यहाँ पे देखने मिला हुआ है। सभी लोग आप बताइए बिना बुलाए एक बार मैसेज करें सभी लोग बिना बुलाए अपना पैसा अपना धन लगा लखनऊ बुला है प्यार है तभी आप जाएंगे प्यार नहीं
नहीं आता, प्यार है तभी आएंगे और प्यार के साथ प्यार प्यार होता है वोट में 100% इस तरह में सिवान की जनता का प्यार चलेगा और भ्रष्टाचारियों को चुटकार मार के लाख भगा देना सिवान की जनता। सिवान की जनता भ्रष्टाचारियों को बहुत दूर फेंकेगी, बहुत दूर भगाएगी और अच्छे लोगों को सिवान की जनता चुनेगी ताकि सिवान का विकास करे, वैसे लोगों को भगा देगी जो अपना विकास करे, वैसे लोगों को चुनेगी जो बाढ़ का विकास करे सिवान की। और मैं बबू से हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, जो भी सिवान की जनता है सबके लिए खड़ा रहूंगा, दिन रात प्रयोग करता सिवान को सुंदर और स्वच्छ बना कर सिवान की जनता सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। वहाँ पे मैं जो जल जमा होता है आए दिन थोड़ा सा बारिश होता है पूरा पानी लग जाता है, पूरी तरह सिवान को जिम कराकर ग्राउंड लेवल लेकर प्रत्येक वार्ड का ग्राउंड लेवल कराऊंगा और जल जमाव से सिवान को। उसके बाद शहर में कहीं भी एक चिल्ड्रन पार्क नहीं है, जहाँ जगह मेरा चिल्ड्रन पार्क बनाऊंगा, शहर में कहीं भी क्या बोलते हैं वो जितने भी शहर में छठ घाट है पोखरा घाट है सबका मैं शुद्धिकरण कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात 25,000 जनता सिवान को फूट पर बेच के अपना जीवन यापन करती है, सबके लिए मान सम्मान दूंगा, उन सभी फुटपाथों के लिए दुकान बना दूंगा ताकि वो शाम से दुकान लगाए और अपना जीवन यापन कर सके। किसी को चुनौती मानते हैं इस मैदान में? चुनौती आप खुद देखिए बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अब अनुभव हो गया है तो आप खुद आपको लगेंगे अनुभव हो गया, पहले नहीं पहले कैसे फंस गए आपको लगातार 15 साल से मैं 15 साल वही भ्रष्टा है किसने हुआ, हम जानते हैं कैसे काम करना है, गरीबों का पैसा है हम लोग का पैसा है, सिवान वासियों का पैसा है, सिवान शहर का पैसा है, सही जगह यूज करना है। सत्य इलाका में अपनी साथ जी के यहाँ नगर है हमारे ग्रामीण क्षेत्र मित्र है, काफी करीबी दोस्त रहे हैं, बचपन के दोस्त है, इसी के लेकर हम ग्रामीण क्षेत्र से मदद करेंगे तभी तो शहर का ग्रामीण दोनों मिलकर अच्छा विकास होगा, इसी उम्मीद के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र से काफी लोग हमारे भाई बहनों आए हुए हैं, अपने मन कम बंधन से बहुत सारा कार्यक्रम शहर बन गया है। अगर मेरा क्षेत्र था मेरा घर था तो मेरे मित्र बहनी शाह है तो निश्चित तौर पर उनके साथ भी क्या संकल्प दे रहा है क्षमता भ्रष्टाचारी नहीं है और बाकी लोग भ्रष्टाचारी हैं और आप जानते ही हैं कि करोड़ों करोड़ों के घोटाला में आज भी मांग रहे जनता से नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के क्लिनिक में, और ये महक हॉस्पिटल है जहां बच्चों के तमाम बीमारियों की सुविधा के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सिवान के उभरते हुए नौजवान नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक में